नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने सेल्फ गुरु जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए जो SBI का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, SBI के CSP चलाते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मेरा क्यूएस पोर्टल में 6,500 रुपये फंसा हुआ है और ये आप ही के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी बातें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले करता आपसे गुजारिश कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं प्लीज कर दीजिए और साइड में घंटी को दबा दे, जिन्होंने किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर CSP चलाने के बाद मैं शाम को कैश बुक क्लोज कर रहा था, ठीक है। तो उस टाइम मुझे 6,500 का डिफरेंट आया तो मैं डर गया, क्योंकि 6,500 अमाउंट बहुत ही ज्यादा हम सभी के लिए। मैं डर गया क्योंकि मुझे लगा मैंने किसी को ज्यादा अमाउंट दे दिया, मैंने कुछ ना कुछ गलत किया है, किसी को मैंने कैश ज्यादा दिया है, किसी को मैंने मनी ट्रांसफर ज्यादा किया है, इसलिए अमाउंट का डिफरेंट आ रहा है, 6,500 का डिफरेंट आ रहा है। मैं डर गया। उसके बाद में क्या किया, मैंने BC को कॉल किया, सर मुझे 6,500 का डिफरेंट आ रहा है। तो उन्होंने बोले ठीक है आप मेल करो हमें, हम चेक करेंगे आपके क्यू का ID का जो भी डिटेल है हमें मेल करो, हम चेक करेंगे। मेल किया मैंने, मेल करने के बाद फिर भी मैंने चेक किया कि मेरे हाथों से कुछ ना कुछ गलती हुई है, मेरे हाथों से कुछ ना कुछ गलती हुई है, तो मैं क्या CCTV चेक करूं, क्योंकि कैश देते वक्त वहां पे रिकॉर्ड रह जाता है, ठीक है। मैंने किसी को कैश ज्यादा दिया होगा तो उसमें रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। मैं पूरा एक एक ट्रांजेक्शन CCTV में चेक किया कि मेरे हाथों से किसी को मैंने ज्यादा पेमेंट दिया है क्या, पूरा कंप्लीट चेक किया हमने, पूरी बारीकाई से चेक किया, ठीक है। तो उसमें कुछ हमें डिफरेंट नहीं लगा, किसी को हमने ज्यादा कैश नहीं दी थी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सोचा पैसा ही चला कहाँ गया, प्रश्न है कि पैसा चला कहाँ गया पैसा। मैंने BC के फिर से कॉल किया, उनको बोला सर मैंने किसी को पेमेंट ज्यादा नहीं दिया, किसी को पेमेंट मैंने ट्रांसफर भी ज्यादा नहीं किया, मैंने पूरी CCTV में एक बारीकाई से चेक किया तो मेरा 6,500 रुपये कहाँ चला गया। मैंने उससे पूछा, उनको मेल तो किया था, मैंने फिर से पूछा तो उन्होंने बताया कि 29 तारीख को 3 CSP का ऐसा इश्यू हुआ है, एक जन का 2,000 का, एक जन का 12,500 का कुछ और मेरा 6,500 का हुआ है। तो ये जो पैसा है, ये जो कंपनी BC का अकाउंट है, जो क्यूएस पोर्टल का सिस्टम है, उसमें फंसा हुआ है। वो पैसा 6-7 दिनों के अंदर अपने क्यू लिमिट में, नहीं तो अपने जो भी सेटलमेंट अकाउंट उसमें आ जाएगा, उन्होंने बताया। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, तो ये बातें आप ध्यान में रखिए। जब भी कभी डिफरेंट आपको आता है तो आप क्या करें, ट्रांजेक्शन रजिस्टर रख दीजिए, अपने सेंटर में आप CCTV जरूर रखिए, क्योंकि CCTV पूरी बातें कह देती है। किसी को हमने पेमेंट ज्यादा भी दिया ना तो उसको हम पकड़ सकते हैं और कैश रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। और हम खुद भी सेफ रहेंगे और हमारा कस्टमर भी सेफ रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ बातें आपको बताया, तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ तो इसको फॉलो कीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, और चैनल को अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं हुए प्लीज कर दीजिए दोस्तों। थैंक दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, बाय बाय।